अस्सलाम वालेकुम। नागरिकता कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन रिलीजन के जो प्रवासी लोग हैं, मतलब वहां से आए हुए जो लोग हैं, उसके लिए सिटीजनशिप को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को अगर हिंदुस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना जरूरी था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने के लिए, नागरिकता का मतलब है शहरियत हासिल करने के पीरियड को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी इन तीन देशों के जो ऊपर बताए गए 6 रिलीजन की बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर भारत में बसे लोगों को शहरियत मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम ज्यादा पॉपुलेटेड पड़ोसी देश से आए गैर मुस्लिम जो लोग हैं, उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये जो क्या बोलते हैं कानून है, उसको आसान बनाया गया है, आसान किया गया है। और इसके बाद एक मिनट, एनआरसी शहरियत कानून 1955 का संबंध हिंदुस्तान शहरियों के और उनके शहरियत तय करने के लिए है। भारत के संविधान के साथ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही सिटीजनशिप कानून 1955 में भारत को नागरिकता से संबंधित किया गया था। और 1955 में भारत की शहरियत से संबंधित कानून बनाया गया था। किसी व्यक्ति को, मतलब किसी शख्स को शहरियत देने के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2 में बताया गया है। और एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल। यह एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी लीगल शहरियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। एनआरसी में शामिल होने के लिए एनआरसी के तहत भारत का शहरी को ये साबित करना होगा कि उसके पूर्वज, मतलब बाप दादा जो है, वो लोग 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। हाँ, ये प्रूव करना है। एनआरसी के लिए रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, एनआरसी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बताया जा रहे हैं कि रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एलआईसी पॉलिसी, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, लाइसेंस इश्यू गवर्नमेंट के तहत इश्यू किया गया हो, इसमें से जो कोई एक भी डॉक्यूमेंट हो तो उसको बताना चाहिए। और एनआरसी में ना शामिल होने वाले लोगों का क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति या शख्स एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा, जैसा कि असम में किया गया है। इसके बाद सरकार इन देशों को संपर्क करेगी जहां के वो नागरिक है, उनसे कांटेक्ट करेगी के जहां के वो नागरिक है। अगर कोई शख्स ये साबित नहीं कर पाएगा कि वो हिंदुस्तान का शहरी है तो उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। वहां जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि उन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल में उनको केस लड़ना होगा। जब फॉरेन ट्रिब्यूनल किससे मायने रखता है, वो फॉरिनर्स को मायने रखता है कि जो कोई फॉरिनर यहाँ पे आता है तो उसको फॉरेन ट्रिब्यूनल में उसका केस लड़ना है। उसको गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि जहां अगर आपको इस तरह के केस अगर लड़ने का उनको मौका दिया जा रहा है तो सिटीजन्स ट्रिब्यूनल ऑल ओवर इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहिए। और आर्टिकल 14 ये बता रहा है कि इंडियन टेरिटरी में रहने वाले सबको राइट टू वर्क, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजियन, राइट टू हेल्थ है। अगर कोई इंसान डिटेंशन सेंटर को भेजा जा रहा है तो इन सब उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
अगर आप डिटेंशन सेंटर में रख रहे हो तो राइट्स कैसा एनफोर्स करोगे? राइट टू वर्क ऐसा एनफोर्स करें, उसको केस लड़ना हो तो उसको पैसा कमाना पड़ेगा। आप उसको राइट टू वर्क कैसा देंगे ये तो बताया ही नहीं गया। और जब उनके बच्चों को एजुकेशन देना जरूरी है, तुम इसके बारे में बात ही नहीं करे तो उनके राइट्स कैसा प्रोटेक्ट कर सकोगे? नेक्स्ट, जब तक उसका केस खत्म नहीं होगा उसके हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है, फ्री हेल्थ प्रोवाइड करना है, इसके बारे में भी बात नहीं कही गई। आर्टिकल 14 और कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि इंडियन टेरिटरी में रहने वाला इवन वो इलीगल इमिग्रेंट हो या रेफ्यूजी, उसको ये राइट्स अप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स जेल में हो या सजा काट रहा हो, उसको वहां पे काम करके वो जो कोई कुछ दिया जाता है उसको पैसा वगैरह उसके फैमिलीज को भेजना है। जब इस तरह या एक प्रिजनर को इतना राइट उसका राइट दिखाया जा रहा है तो जब ये डिटेंशन सेंटर को जाने वालों को आप ये सब किस तरह उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे आप? और आप ये बोल रहे हैं कि हम घुसपैठियों को यहां से भगा देंगे बोल के जो बोल रहे हैं आप, यहां से जो सिटीजन्स जो बने हुए हैं वो हमेशा के लिए जो सिटीजन्स है आप उनको भगाकर जो नए लोगों को लाकर आप सिटीजनशिप दे के जो सिटीजनशिप बना रहे हैं ये कहां तक मुनासिब है? ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए। सिर्फ अपने कौम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो ये जो CAA और जो है सो NRC वगैरह जो लेकर आ रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप आर्टिकल 14 को प्रोटेक्ट करेंगे तब आपके इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। इसलिए सिटीजन होने इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं यह कह रही हूं कि जैसा अपने मन में आए जैसा तब बोले जाए वैसा इस तरह के कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। जब आप चाह रहे हैं सिटीजनशिप और सिटीजन की अच्छाई जब चाह रहे हो तो आपको आर्टिकल 14 के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं रज़ीम उन्निसा बेगम एडवोकेट वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मेदक आप सभी हजरात को रिक्वेस्ट कर रही हूं कि 27 को क्रिस्टल गार्डन में 6:30 बजे सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है CAA और NRC के खिलाफ, जिसमें ऑल रिलीजियंस और ऑल पार्टीज के अहम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी जरूर शिरकत करके इस प्रोग्राम को सक्सेस करिए और अपने राइट्स को बचाइए। हम सब लोग इस CAA और NRC को अपोज कर रहे हैं, आप भी इसमें शामिल